आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से पुरानी जींस का इस्तेमाल करके एक बहुत बढ़िया जैकेट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से ये जो नीचे की मोहरी है यहाँ पे आपको इंची टेप को रखना है और यहाँ से आपको 14 इंची पे इस तरीके से देखिए टिक करना है और इसे आपको इस तरीके से सीधा कर देना है। और उसी तरीके से ये जो दूसरी वाली मोहरी है इस पे भी आपको 14 इंची पे इस तरीके से टिक करना है। और देखिए इन्हें काट के अलग निकाल लेना है। देखिए हमने इन्हें काट के अलग निकाल लिया है। उसके बाद में देखिए ये जो डबल सिलाई लग रही है इसे आपको इस तरीके से खोल देना है। और देखिए इसी तरीके से आपको देखिए इस पे जो डबल सिलाई लग रही है इसे भी आपको खोल देना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इन दोनों को खोल लिया है। उसके बाद में देखिए एक को साइड में रख देंगे हम। ये जो खुली साइड है यहाँ से आपको 2.5 इंच लेना है और यहाँ से आपको 2 इंच लेना है। और ये देखिए इसकी इस तरीके से गोलाई कर देनी है। और इसे आपको काट देना है। ये देखिए इसी के ऊपर आपको इसे रख के इसकी भी इसी तरीके से कटिंग कर देनी है। ये देखिए ये हमारी बाजू हो गई है दो। अब ये जो बची हुई पैंट का कपड़ा है आसन से ऊपर ऊपर का सारा कपड़ा आपको निकाल देना है। ये देखिए और देखिए इसी तरीके से हम इसे भी निकाल लेंगे। ये देखिए ये दोनों मैंने निकाल लिए हैं अलग। मैं आपको इसकी लंबाई बता देती हूँ। देखिए इसकी ये जो लंबाई है ये 15.5 इंच है। और ये देखिए ये जो डबल सिलाई लग रही है जैसे हमने बाजू की निकाली थी उसी तरीके से इसे हम काट देंगे और उसी तरीके से ये जो डबल सिलाई लग रही है इसे भी हम बीच में से काट देंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से ये दोनों निकाल लिए हैं और इस पे जो सिलाई लग रही थी वो मैंने काट दी है। उसी तरीके से आपको सिलाई निकाल देनी है और हम एक पार्ट को पहले साइड में रख देंगे। और ये देखिए इस पे जेब भी लग रही थी वो भी मैंने उधेड़ दी है। उसी तरीके से आपको उधेड़ देनी है और इसे आपको इस तरीके से एक सार करके डबल में फोल्ड कर देना है। देखिए यहाँ से आपको 6.5 इंच लेना है। और यहाँ से आपको 6 इंच लेना है। इस तरीके से टिक करना है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी चेस्ट का 1/4 हिस्सा लेना है। तो देखिए मेरी चेस्ट है 28 28 का अगर हम 1/4 हिस्सा निकालेंगे तो हो गया 7। और ये देखिए ये सिलाई के लिए मार्जिन। और उसके बाद में देखिए मुझे जो मेरी चोली की तैयार लंबाई चाहिए वो मुझे 13 इंच की चाहिए तो मैं इसके अंदर 1 इंची का मार्जिन रखूँगी। मैं इसे 14 इंच निकालूँगी इस तरीके से। कमर है हमारी 24। अगर हम 24 का 1/4 हिस्सा निकालेंगे तो हो गया 6। और ये देखिए इस सिलाई के लिए मार्जिन। इसमें आपको बस 1/2 इंच का मार्जिन लेना है और यहाँ से इस तरीके से। और इसकी गोलाई कर देंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ से आपको गले की कटिंग करनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ से ये 2.5 इंच लिया है।
और जो गले की मुझे लंबाई चाहिए वो मुझे चाहिए 2.5 इंच। ये देखिए यहाँ से भी मैंने 2.5 इंच लिया है क्योंकि ये पीछे का गला है। पीछे के गले की लंबाई हम कम रखेंगे, आगे की ज़्यादा रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से गले की गोलाई कर देनी है और यहाँ पे आपको इस तरीके से 1/2 इंच के करीब मुड्ढे गिरा देने हैं। देखिए उसके बाद में आपको इसकी कटिंग कर देनी है। उसके बाद में देखिए हम इसे नीचे से कट कर देंगे। उसके बाद में देखिए आपको इसे बिल्कुल एक सार करके बिछा लेना है। ये देखिए कि देखिए आपको इसे इसके ऊपर रखना है। देखिए मैंने इस तरीके से इसे इसके ऊपर बिछा लिया है। अब आपको इसी तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है। देखिए मैंने इसके ऊपर रख के इसकी कटिंग कर ली है, उसी तरीके से आपको करनी है। उसके बाद में देखिए एक पार्ट निकाल के हम अलग रख देंगे और इसे बिल्कुल एक सार कर लेंगे। देखिए इस गले की जो लंबाई है वो हम बढ़ा देंगे। देखिए इस तरीके से उसके बाद में देखिए ये जो सिलाई लग रही है इसे आपको खोल लेना है। देखिए इस तरीके से, तो ये देखिए बीच में ये जो सिलाई लग रही थी ये मैंने उधेड़ दी है, उसी तरीके से आपको इसे उधेड़ देना है। ये देखिए इसे मैंने बिल्कुल इस तरीके से निकाल लिया है। देखिए अगर आपका ये सिलाई उधेड़ने के बाद अगर आपके में थोड़ा बहुत फर्क आए सिलाई उधेड़ने के बाद तो आप उसकी कटिंग कर दें। देखिए उसके बाद में आपको इस तरीके से इसे रखना है और ये देखिए इसे आपको इस तरीके से फोल्ड कर देना। ये देखिए इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है और इसी तरीके से देखिए इसे आपको पूरे को फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। मैं आपको इन दोनों के ऊपर सिलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसके अंदर इस तरीके से देखिए इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर दिया, सिलाई लगा दी है। उसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ भी इसके ऊपर सिलाई लगा दी है इसे फोल्ड करके। उसके बाद में देखिए आपको ये जो हमने पीछे का पार्ट काटा था यहाँ पे आपको देखिए इसे इस तरीके से रखना है और देखिए इसे इस तरीके से रखना है, बिल्कुल एक सार करके रखना है आपको। और ये देखिए जो उसके मुड्डे हैं यहाँ पे आपको सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी आपको सिलाई लगा देनी है। मैं आपको सिलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इसके मुड्डे अटैच कर लिए हैं। उसके बाद में देखिए इसे हम साइड में रख देंगे और ये जो बची हुई पैंट है ये देखिए इसके अंदर से हम ये कपड़ा निकाल लेंगे, जितना भी कपड़ा है। और उसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी जितना कपड़ा फालतू है इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम उसके अंदर से तिरछी पट्टी निकालेंगे। देखिए इन्हें कट करके हम निकाल लेंगे। और देखिए उसी तरीके से इसके अंदर से निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरीके से ये पट्टियां निकाल ली हैं, उसी तरीके से आपको पट्टियां निकाल लेनी हैं। और ये देखिए आपको इसे इसके ऊपर रखना है और इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए आपको इसके ऊपर इसे इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर भी आपको सिलाई लगा देनी है।
फिर देखिए इसके ऊपर आपको इसे इस तरीके से रखना है, सिलाई लगा देनी है, इन पट्टियों को आपको आपस में जोड़ लेना है। मैं आपको जोड़ने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इस तरीके से इन पट्टियों को आपस में जोड़ लिया है, ये देखिए। उसके बाद में हम इसे इस तरीके से करेंगे, ये देखिए जैकेट को। देखिए आपको ये जो पट्टी लगानी है, देखिए इस तरीके से लगानी है गले के ऊपर यहाँ से, और आपको इस तरीके से पूरे गले के ऊपर ये पट्टी इसी तरीके से देखिए लगानी है। मैं आपको पूरे गले के ऊपर ये पट्टी लगाने के बाद दिखाती हूँ। देखिए ये पट्टी मैंने इस तरीके से लगा दी है, और ये देखिए इसे हम आधा इंच फालतू छोड़ेंगे, ये देखिए इस तरीके से मैंने ये आधा इंच छोड़ दिए, ये देखिए यहाँ से इसे आपको इस तरीके से पकड़ना है और इसे आपको फोल्ड कर देना है, इस पर आपको सिलाई लगा देनी है। मैं आपको सिलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसी तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा दी है, और उसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी सिलाई लगा दी है, उसी तरीके से आपको लगा देनी है। और ये जो आपको तिरछी पट्टी काटनी है गले पे लगाने के लिए, इसकी चौड़ाई आपको 1.5 इंच रखनी है। उसके बाद में देखिए आपको इसे इस तरीके से पकड़ना है और इसे आपको इस तरीके से देखिए फोल्ड कर देना है, और उसी तरीके से देखिए आपको इस तरीके से यहाँ फोल्ड कर देना है, सिलाई लगा देनी है। उसी तरीके से आपको इस पट्टी को पीछे की तरफ को करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से आपको पूरी पट्टी को पीछे की तरफ को पलटना है, सिलाई लगा देनी है। मैं आपको सिलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसे इस तरीके से पीछे की तरफ को पलट दिया है, उसी तरीके से आपको पलट देना है। उसके बाद में देखिए ये जो हमने बाजू की कटिंग करी थी, आपको बिल्कुल बीच सेंटर पे यहाँ पे कट लगाना है। और ये देखिए बाजू को आपको इस तरीके से इसके ऊपर रखना है, आपको यहाँ पे इस तरीके से इसे रखना है, और यहाँ से आपको सिलाई लगानी है। और ये देखिए इस तरीके से आपको पूरी बाजू के अंदर इस तरीके से इसे अटैच कर देना है मुड्डे के अंदर। फिर आपको दोबारा यहीं पे बीच पे आना है, और यहाँ पे आपको इसी तरीके से सिलाई लगानी है, ये देखिए। और ये देखिए इस तरीके से आपको बाजू को इसके अंदर अटैच कर देना है, और इसी तरीके से आपको दूसरी वाली बाजू लगानी है। मैं आपको दोनों बाजू इसके अंदर लगाने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसके अंदर बाजू अटैच कर ली है यहाँ भी, और उस तरफ भी देखिए इसी तरीके से मैंने बाजू अटैच कर ली है। उसके बाद में देखिए आपको इसे इस तरीके से करना है, देखिए आपको इस तरीके से, देखिए मैं निशान लगा के दिखा रही हूँ। जिस हिसाब से आपकी फिटिंग है आपको उस हिसाब से इसकी फिटिंग कर देनी है, ये देखिए। और उसी तरीके से आपको यहाँ से भी इसकी फिटिंग कर देनी है, ये देखिए। आपको फिटिंग करने के बाद इसे नीचे से इस तरीके से पूरे को फोल्ड कर देना है, और उसी तरीके से देखिए आपको यहाँ से भी इसे फोल्ड कर देना है, और पीछे से भी आपको फोल्ड कर देना है। मैं आपको इसकी फिटिंग करने के बाद और इसे नीचे से फोल्ड करने के बाद दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी फिटिंग कर ली है, और नीचे से भी मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। और देख सकते हैं आप ये जो मोहरी थी तो मैंने इसे काट दिया है नीचे से, और उसके बाद में मैंने इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर दिया था फिटिंग लगाते वक्त। तो देखिए हमारा जैकेट बनके तैयार हो चुका है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे चेन भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर बटन लगा सकते हैं। आप यहाँ पे जो भी लगाना चाहें, जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे।